नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। प्रॉपर्टी रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे फरीदाबाद के प्रॉपर्टी मार्केट की। देश के नक्शे पर इस इलाके की खास पहचान है। इस मेट्रो शहर में प्रॉपर्टी मार्केट में निराशा है। जानकार रोजगार के अवसर से संतुष्ट नहीं है, लोग सरकारी नीतियों से खफा हैं। आज के एपिसोड में इसे विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं बनवारीलाल गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है, और महेश जैन साहब हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो इन दोनों के जरिए हम वहाँ के मार्केट को खंगालेंगे कि जो शुरुआत जो बूम के साथ हुई थी वो आखिर आजकल ठहर क्यों गई है। फरीदाबाद में मार्केट में अचानक आई उछाल अब थम गई है। जो तमाम अवसर बने थे, जितना विकास हुआ था वो वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। एनसीआर में होने के बावजूद फरीदाबाद का प्रॉपर्टी बाजार इन दिनों मंदी के दौर से गुजर रहा है। बाजार से घर या फ्लैट खरीदने वाले लोग अचानक गायब हो गए हैं। जिन लोगों ने पहले प्रॉपर्टी में पैसा निवेश किया था, उन्हें अब कई साल बाद भी अपनी पूरी कीमत वापस नहीं मिल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण जहां एक तरफ महंगाई है, वहीं बिल्डरों द्वारा लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर प्रॉपर्टी को बेचना भी है। इसका मुख्य कारण गोयल साहब ये है कि पहले हमारे यहाँ जितना भी बूस्ट आया था वो इन्वेस्टरों ने ही अपना आपस में मिलजुल गए, इन्होंने खेल रचा था सारा पूरा। ये सब इन्वेस्टरों ने पैसे लगाए थे इसमें, एक्चुअल ग्राहक उसमें बहुत कम था। अब जो एक्चुअल ग्राहक जो इस टाइम अगर जाग जाए, एक्चुअल ग्राहक को इस टाइम फायदा मिलेगा क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत लो पे चल रही है। कई बिल्डरों ने तो बिना प्रोजेक्ट के ही लोगों से हवा में पैसे निवेश करा लिए। अब ऐसे पीड़ित पुलिस और न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं। अपने घर का सपना दिखाकर उनके साथ सरेआम धोखाधड़ी की गई है। मेन समस्या तो यहाँ पे कनेक्टिविटी की है, जो सबसे बड़ी समस्या है। जो हमारी बाईपास रोड है खेड़ी पुल से यहाँ तक आने के लिए कोई रोड नहीं है। जो अभी सिर्फ तिगांव रोड थोड़ी सी बन रही है, लेकिन जो यहाँ इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिंग रोड कोई भी नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग है कच्चा सा रोड है, उस पर तो बारिश आने के बाद तो गाड़ी खो जाती है। तो मेन समस्या अभी तक वही है। उसके अलावा जो समस्याएं हैं वो बिजली की हैं। जो परमानेंट कनेक्शन बिजली बोर्ड की तरफ से आना चाहिए वो अभी तक यहाँ पे आया नहीं है, जो कि बिजली बहुत महंगी मिल रही है। फरीदाबाद का नहर पार क्षेत्र अचानक बिल्डरों के लिए सोने की खान बन गया। इस क्षेत्र में बिल्डरों के पैर पसारने के कारण जहां किसानों की जमीन करोड़ों रुपए एकड़ में बिकी, वहीं बिल्डरों ने सुंदर घर का सपना दिखाकर लोगों से करोड़ों अरबों रुपए फ्लैट बुक कराने के नाम पर ले लिए। लेकिन कई कई साल बाद तक भी न तो फ्लैट बुक कराने वालों को पोजीशन मिली और न ही ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए सड़कें व पुल बनाए गए। सुविधाओं के नाम पर भी लोगों को छला ही गया। तो स्टोरी आपने देखी, रिपोर्ट हमने बनाई थी वहाँ की जो बुनियादी हालत है उसके मद्देनज़र। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। बनवारीलाल गुप्ता जी, हम यही समझना आपसे चाहेंगे कि शुरुआत इतनी अच्छी हुई और अब मामला थम सा गया है, कारण क्या है इसके? कारण सबसे पहला कारण तो ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत थी जी। दूसरा, बिल्डर्स हमारे यहाँ कुछ ऐसे आ गए जिन्होंने लोगों के साथ धोखा किया जी, और इतना धोखा किया है कि 2006 में जिन्होंने बुकिंग कराई आज तक वहाँ कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हो पाई है जी। कुछ बिल्डर्स ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि ऐसे मामले अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं कि बुकिंग हो चुकी है लेकिन 2-3 साल लग जाते हैं काम शुरू होने में। ऐसे मामले अक्सर हम देखते रहते हैं। अगर गुड़गांव की बात कर लें तो यहाँ पे ऐसे मामले कई सारे प्रकाश में आए, लेकिन 2006 में बुकिंग का होना और अब तक काम का शुरू न होना, इसे आप कितनी बड़ी लापरवाही, लापरवाही से ज्यादा बड़ी तो बदनीयति है जैन साहब। इससे ज्यादा बदनीयति भी है, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है जी। आप ये देखिए, कोई वहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट ने ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जी, अभी तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है उसकी जी। मतलब वहाँ पे कोई भी आज भी आदमी अपने तरीके से जा नहीं सकता वहाँ पे। और आप ये देखिए कि एकमात्र इन्होंने BPTP के यहाँ पे पुल बनाया जी, और वो भी ठीक से कनेक्ट नहीं है जी। तो अब ये बताइए कि जो है एक आम आदमी जिसने जो है बड़ी अपनी मेहनत की कमाई से फ्लैट बुक कराया है वो क्या करेगा जी। इधर तो बिल्डर्स की जो है ज़बरदस्त मतलब हेरा फेरी, इधर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया इन्होंने EDC IDC के नाम पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं वहाँ पे।
इकट्ठा किया गया, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई, उसके बाद कौन किसको ठग रहा है नहीं ठग रहा है इस बाबत कोई ज़्यादा दिलचस्पी जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से भी नहीं दिखाई गई? नहीं है, बिल्कुल नहीं उनकी, वो तो सिर्फ अपना पैसा लेते हैं बिल्डर से और उनको इग्नोर करते हैं सारी बातों को। पब्लिक जाती है, लोग जिन्होंने बुक करा रखे अगर वो जाते हैं तो, क्योंकि सर ये अपने आप में हैरत में डालने वाला मामला है कि 2006 में बुकिंग हुई, 8 साल बीत गए, 8 साल मामूली नहीं होते हैं। और अगर गुड़गांव और फरीदाबाद की तुलना करें तो यहाँ पे अगर हम सब गलत नहीं हैं तो फरीदाबाद पहले से स्टेब्लिश शहर है, ये न्यूली डेवलप्ड शहर है और फरीदाबाद बहुत पहले से मेट्रो शहर के नक्शे पे गिना जाता है कि भारत में एक बड़ा शहर फरीदाबाद भी है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है फरीदाबाद। जी जी, और इतना बड़ा हब होने के बावजूद भी धीरे 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 फरीदाबाद तो नीचे चलता चला गया। और गुड़गांव आप देखिए कि एक आज इसकी तुलना जो अपने विदेशों के बड़े सिटीज हैं उनसे की जाती है। जी जी, यहाँ पे बड़ी समस्या पाते हैं, आपकी अनदेखी का शिकार हुआ है ये शहर। अनदेखी शिकार हुआ है लोगों की अनदेखी का, और मैं कहूँगा इसे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक वो है यहाँ पे। जी लौटते हैं, हम बहुत सारे मसले हैं जिस पे आपसे जानेंगे, क्या वहाँ पे कोई माफिया भी काम करता है इस बाजार में, इस पे भी आपसे जानेंगे क्यों आखिर ये परेशानी हो रही है कि बिल्डर दबंग हो जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है और फरियादी आखिरकार परेशान होकर कैसे भी अपने पैसे वापस लेना चाहता है, ऐसी जानकारी भी हमें मिली है। इन सारे मसलों पर बातचीत करेंगे। एक खबर और देख लेते हैं, फरीदाबाद को लेकर सरकार की कई योजनाएं थीं, उन योजनाओं पर काम नहीं हुआ और विकास के सुस्त रफ्तार का सीधा असर वहां के प्रॉपर्टी बाजार पर पड़ा है। देखने में भव्य और सुंदर दिखने वाले ये फ्लैट विभिन्न बिल्डरों ने बनाए हैं, लेकिन इनकी हकीकत ये है कि इनमें रहने वाले चंद ही लोग हैं। कई प्रोजेक्ट तो पूरे ही नहीं हुए हैं और जो पूरे हो चुके हैं वहाँ बिजली पानी व सड़क तक की कोई सुविधा नहीं है। जो हमारे प्राइवेट बिल्डर इन्होंने जो अपना गवर्नमेंट ने इनवाइट किए थे, इन्होंने अभी तक मैक्सिमम ने किसी ने कोई पोजेशन नहीं दी, कईयों ने पैसा ले लिया है और अभी तक उन्होंने ना उनके पास जमीन है और ना वहां पर कुछ डेवलपमेंट है। फरीदाबाद से ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने वाली एकमात्र खेड़ी रोड है, दोनों के बीच में आगरा कैनाल व गुड़गांव कैनाल होने के कारण इन पर बनने वाले 3 पुलों का मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों शिलान्यास तो किया था, लेकिन ये पुल कब तक बनकर तैयार होंगे इसका अभी तक कोई पता नहीं है। केवल BPT ने ही अपने निर्माण क्षेत्र में सड़कें व पुल बनाया है, शेष बिल्डर कुछ नहीं कर पाए हैं। जबकि ग्रेटर फरीदाबाद को बसाने से पहले बिल्डरों ने नोएडा से जल्द जुड़ने की बात भी ग्राहकों के सामने रखी थी। सरकार द्वारा दी जाने वाली सीवरेज, पानी और सड़कों की सुविधा भी क्षेत्र में अभी तक नहीं पहुंच पाई है। जिन्होंने पोजेशन दे रखी है उनके ट्रांसफर चार्जेस इतने ज्यादा है की बार बार जो ट्रांसफर चार्जेस में पैसा लगता है वो एक छोटे कस्टमर के लिए बहुत मुश्किल है पे करना। तीसरा, यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो गई है, कोई भी ऐसी कोई मदर इंडस्ट्री नहीं है जिसके कारण कि पैसा यहाँ पर जनरेट हो, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इंडस्ट्रीज के थ्रू ही पैसा जनरेट होता है, वो इस टाइम ना के बराबर ही चल रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, जो उन्होंने गवर्नमेंट ने IMT निकाला है अभी वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है जो कि अपना इंडस्ट्री सेक्टर वहाँ पर शिफ्ट हो सके। प्रॉपर्टी डीलरों व जानकारों की माने तो एक बार फरीदाबाद में जो प्रॉपर्टी के अंदर बूम आया था वह सब निवेशकों और बिल्डरों का खेल था, इसमें जो फंस गया वह आज तक पछताता रहा है। उसे अपने फ्लैट की खरीद कीमत तक भी इतने वर्ष बाद नहीं मिल पा रही है, जबकि बिल्डर आज भी अपने फ्लैटों के रेट बढ़ाते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी में मंदी का कारण जानकार बताते हैं कि एक तो महंगाई है और ऊपर से फरीदाबाद में औद्योगिक ग्रोथ नहीं है, सर्कल रेट बढ़ने और GPA बंद होने तथा फ्लैट ट्रांसफर न होने के चलते लोगों के पास महंगे घर के लिए पैसा नहीं है। डीलरों का ये भी मानना है कि NIT के काफी लोगों ने नहर पार पैसा निवेश कर दिया, इसलिए प्रॉपर्टी की मंदी का असर NIT क्षेत्र में भी पड़ा है। जानकारों का मानना है कि अभी वास्तविक खरीदार को और रुकना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतों में 10% की कमी और आ सकती है। फरीदाबाद से प्रमोद गोयल के साथ प्रॉपर्टी डेस्क, खबरें अभी तक। कई सारी बातें हमें जानने को मिली इस खबर को देखने के बाद, एक झोलझाल भी नज़र आया कि जो बूम दिखाया गया वो एक कह सकते हैं कि आप सब्जबाग था, बिल्डरों ने लोगों को ठगा बताया कि माहौल बढ़िया हो रहा है जबकि रियलिटी ऐसी थी नहीं, क्या कहते हैं आप इस स्टोरी में हमने ये तथ्य पाया है? उस टाइम जब बूम आया था और काम हुआ था वो भी 24 कैरेट नहीं था, वो 100% शुद्ध नहीं था, हमने स्टोरी में पाया उसमें सच्चाई तो ये थी कि उन बिल्डर्स की जी नियत ठीक नहीं थी। जी
कैसे खेल कैसे हुआ था वो आप हमें समझाएं। उन्होंने जमीन परचेज की, सीएलयू के लिए अप्लाई भी किया और लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया जी, फ्री लॉन्च कर दिया जी, जमीन लेनी शुरू की और उससे पहले लॉन्च कर दिया उन्होंने जी। गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि उन पर कोई, आज भी उन्होंने जमींदारों से जमीन ली जी, रजिस्ट्रियां कराई, चेक दिए, आज हजारों केस अदालत में चल रहे हैं बिल्डर्स के खिलाफ मगर कोई सुनवाई नहीं होती। अगर हम तुलना करें तो गुड़गांव और फरीदाबाद की तुलना में फरीदाबाद में ऐसे मामले बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि गुड़गांव में हम सुनते हैं कि ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है लेकिन उसकी संख्या सीमित है। मुझे लग रहा है कि फरीदाबाद में बहुत ज्यादा मामले हैं ऐसे, बहुत ज्यादा मामले 80% और यहाँ 10% होंगे। 80% मामले ऐसे हैं, ऐसे तो बाजार ब्लैक लिस्टेड हो गया होगा, कोई रुचि नहीं दिखा रहा होगा, कोई जाना नहीं चाहता होगा वहां पे। जाना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी वर्स्ट है बिल्कुल। गवर्नमेंट के चार्जेस जितने हैं, बिल्डर्स भी मजबूर हैं उसके जी, आगे जी। इतना जो है आप ये देखिए, इतने तरह के चार्जेस लगा रखे हैं इन्होंने, लाइसेंस फीस, कन्वर्जन फीस जी, स्कूटनी फीस जी, ईडीसी, आईडीसी, इस तरीके से एक उस पे जो है एकड़। अच्छा, पे सरल शब्दों में आप बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि इन जो फीस की बात आपने कही है, इन फीस का मतलब क्या होता है, कैसे एक आम बायर इसमें उलझ जाता है और परेशान होकर वो मार्केट से तौबा कर लेता है। वो इसीलिए क्योंकि उसको, आम बायर को तो कुछ पता होता नहीं है फीस के बारे में जी। अब कुछ तो जो है गवर्नमेंट जो है इन्हें इतनी ज्यादा चार्जेस लगा रखे, उसके अलावा फिर ये सारे चार्जेस जो है ये जो बिल्डर है वो आम ग्राहक से लेता है जी। जब आम ग्राहक से लेता है तो वो चार्जेस पड़ रहे हैं उस पर भी ये चाहता है कि मैं ग्राहक से जो है उन चार्जेस को भी और ज़्यादा ले लूँ, उसमें भी एडिशन कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वसूलना चाहते हैं। तो फिलहाल कितना बड़ा फर्क पाया है आपने? आपने बहुत पहले से, आपकी नजर होगी वहां के मार्केट पे, अब से 8 साल पहले क्या स्थिति थी 2005-06 में, फिलहाल क्या स्थिति है? 2005-06 में तो शुरू हुआ था इन्होंने लेना जी, बिल्डर ने कुछ बिल्डर आरपीएस जैसे हैं जी, पीयूष है जी, ओमेक्स है, इन्होंने अच्छा काम किया है और करने के बाद तो किसी इलाके का भला हुआ भी या नहीं? भला भी हुआ है और लोगों को रेट का बेनिफिट भी मिला है, मगर कुछ लोगों ने एक्चुअली बेईमान लोगों ने आकर के इसको खराब कर दिया। सबसे ज्यादा असर अगर हम कहें कि बुरा प्रभाव किन इलाकों पे पड़ा है फरीदाबाद के, तो उसमें कौन कौन से इलाकों का नाम लेंगे आप? सेक्टर 78 है जी, 89 है जी, इन लोगों ने काफी खराब किया है। त्रिवेणी वगैरह जो आए हैं उन्होंने बहुत खराब किया है इसको। त्रिवेणी बिल्डर का हिसाब किताब खराब है सबसे ज्यादा त्रिवेणी का खराब है, पॉल का खराब है जी जी जी। तो आप फिलहाल क्या है जी यहाँ पे, ये जो गवर्नमेंट की जो आई थी यहाँ पे जी, उनमें भी कोई सारा का सारा जो है वो एज इट इज पड़ा हुआ है। अब आप देखिए, इधर इनको बाईपास रोड कनेक्ट करना था मथुरा रोड से जी, तो वहाँ पे जो है रेलवे लाइन पे मलेरना में पुल नहीं बनाया इन्होंने वो। और ये जब ये प्लानिंग हुई थी उस दौर से अब तक कितना समय बीत चुका है? प्लानिंग से तो जो है मैं समझता हूँ कई साल हो गए इनको, हर इनका प्रोजेक्ट देखो 6 साल हो गए। अब आप ये देखो कुंडली मानेसर रोड है इनका, मैं समझता हूँ कम से कम 8-10 साल हो गए उसको जी। ये तो इंडिया गवर्नमेंट के टाइम से चल रहा है अभी तक।